मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये बड़ी खुशकिस्मती का मौका होता है कि लोग किसी भी जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जमा होते हैं और उनकी सोचें और उनकी फिक्रें जो हैं वो इस बात में इस्तेमाल हों कि किस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन जो है वो जिंदा हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, बस अल्लाहुम मंसूर मन नसर दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह, तू उसका मददगार बन जा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का मददगार है। और जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की हो, ये कैसे मुमकिन है कि ये दुआ कबूल ना हो? मुझे वैसे तो मस्जिद में बात करने की आदत है, स्टेज पर अब इस माहौल में बात करने की आदत नहीं है, लेकिन आप लोगों का जो दीन से जो रग़बत है ये देख के मुझे रश्क हो रहा है, किस तरह आप लोग अपने औकात को बाहर की दुनिया में इस वक्त लोग इस फिक्र में है कि किस तरह से माल बढ़ जाए, नाम बढ़ जाए, शोहरत बढ़ जाए, ये सारी फिक्रें इस वक्त लोगों की हैं। आमतौर पे यही सोचें, दिन सारा इसी में इस्तेमाल होता है, सलाहियत सारी इसमें इस्तेमाल होती है। आपके टोरंटो के शहर में एक आदमी ने हमें बताया, टोरंटो शहर से, कि जी आज के दौर में तो लोग काम ही नहीं करते, मुझे देखें 30 साल हो गए मैंने दुकान में एक दिन की छुट्टी नहीं ली। उफ, मेरे ये बात सुन के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। कहा जी एक दिन छुट्टी की थी, वो भी आधे दिन की, जिस दिन वालदा का इंतकाल हुआ था, आधे दिन की थी छुट्टी, दोपहर को फिर दुकान पे आ गया था। सोचो इस मुसलमान की सारी की सारी